ना कोई तंबू देता, ना कोई खाना देता, कोई चीज भी नहीं देता। ये कहानी सिर्फ अजीजुल्लाह की नहीं, डेरा इस्माइल खान की बस्ती शोरकोट के हर एक बासी की है। शोरकोट, जहां के सूरज ने बस्ती से हमेशा वफा निभाई, मगर अब के बार पानी बेवफा निकला और आसमान से बगावत करके शोरकोट के बासियों पर कहर बन के टूट पड़ा। बस्ती के मकीन बेरहम पानियों के हाथों सब कुछ लुटा बैठे और यूं टूटे घरों के खुले कवाड़ किसी मसीहा के मुंतजर ठहरे। मसीहा जिसे अजीजुल्लाह के दुख से क्या लेना देना। बाय सियासी लीडर आने द रोड को लंगे वाले कोई हाल है तक सियासी लीडर ने कोई ऐसा कुछ चीज नहीं मिली। 28 जुलाई की शाम शोरकोट के बासी बस्ती में होने वाली शादी में शिरकत की तैयारी कर रहे थे। तकरीब में पानी पिलाने की जिम्मेदारी वाजिद की थी, पानी जो जिंदगी है, मगर इस रोज मौत का पयाम लाया। पानी एक नेमत है, मगर शोरकोट के बासियों के लिए ये उस वक्त जहमत बन गया जब आन ही आन में इसने कई घर उजाड़ डाले। पानी का शोर शोरकोट के बासियों के कानों में अब भी गूंजता है। शोरकोट का हर एक बासी एक पूरी दास्तान है, बच्चा हो या बूढ़ा, पूरी दास्तान। इन दास्तानों में से एक दास्तान जैनब की है, जो सूरज ढलते ही अपने बच्चों और शोहर के लिए रोटी का बंदोबस्त करती थी, मगर पानी ने उसे खुले आसमां तले बिठाकर पेट की दोजख भरने पर मजबूर कर दिया। उसकी बेटी सीमा का दुख शायद छोटा है, मगर सपने तो सीमा के भी अधूरे रह गए। पैसे जमा करके खरीदी गई किताबें न जाने कहां खो गईं। सर पर सपना दशम के हूं सर किताब बलूर के नु सनाए पढ़ सकते। वारिस जो अजीजुल्लाह का अकलौता बेटा और बरसों की मेहनत से बनाए गए घर का वारिस था, मिट्टी में गुम हो जाने वाले मकान की निशानियां समेट रहा है। शाम ढलने लगी है, मगर एक यादों की बारात है कि चली आ रही है। बाबा ने घर बनाया था और सैलाब से और ढह गया और हमारी हुकूमत ने कोई मदद नहीं की और हम आप एक सिर बनाने के एक जियो बनाएंगे। शोरकोट का सूरज अजीजुल्लाह, उसके खानदान और बस्ती के दीगर लोगों का वाहिद सहारा है। बस्ती में तबाही के बाद वहीं ठहर जाने वाले पानी में सूरज अरमान बनकर चमक रहा है। अरमान जिनके पूरा होने की आस में शोरकोट का हर बासी अपने हुक्मरानों का इंतजार कर रहा है। कैमरामैन काशिफ बाजवा के साथ फयाज राजा, समा, शोरकोट, डेरा इस्माइल खान।